तो गाइस यार आज की वाली वीडियो में हम लोग अपडेट्स एंड इवेंट्स के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत तो करने ही वाले हैं, लेकिन गाइस यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को आज दिखाने वाला हूँ गरीना फ्री फायर के सस्ते वाले नशे। क्योंकि यार अभी आप लोग अपना मेरे सामने आपके जो गेम प्ले चल रहा है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मेरा जो कैरेक्टर है वो पूरा ब्लैक है, ठीक है। और गाइस ये कैसे हुआ, मैंने क्या करा, जो मैंने गिल्ड के मेंबर्स थे उनको इनवाइट किया, मेरा जो पूरा स्क्वाड था मैंने उसको स्क्वाड को करा और मैंने सिंपली क्लेश स्क्वाड रैंक मैचेस को स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ जो मेरा प्लेयर था वो ब्लैक होता है। अब मेरे को लगा एक आधी ग्लिच होगा तो ये केवल पहले मैच के लिए हो जाएगा, सेकंड मैच में ये सही हो जाएगा, लेकिन ये पूरा मैच तक सही नहीं हुआ। और इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि मैं अपने हाथ से गन को रिमूव नहीं कर पा रहा था, ठीक है। दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज ये हो गया था कि अगर मेरे साथ फाइट हो रही है तो मैं यहाँ पे मूवमेंट ही रुक जा रही थी मेरी। यहाँ पे देखो मैं मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मैं वहाँ पे मूवमेंट नहीं कर पा रहा, पूरे मैच में यही हुआ है। और ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं कि केवल पहली बार हो रहा है। आज तो किस्मत ये थी कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए कैसे कैसे नशे होते हैं। तो यार मैं गरीना फ्री फायर को ये बोलना चाहूंगा कि अगर उनका कोई भी इम्प्लॉय या फिर कोई भी उनका मॉडरेटर या फिर आप लोग बोल सकते हो उनका कोई भी पार्टनर प्रोग्राम वाला बंदा अगर ये वीडियो को देख रहा है तो प्लीज उनको ये बात बोल, ये वीडियो जरूर से दिखाना, उनको ये बोलना कि यार इतने सारे कोलैब कर रहे हो, इतनी सारी चीजें कर रहे हो तो यार जो गेम है उस पर भी तो ध्यान दे दो ना। गेम अगर इतना सारा इससे भरा हुआ है तो यार ये थोड़ी नहीं सही है। अगर तुम कोलैब कर रहे हो मतलब ऊपर ऊपर से तुम अच्छा कर रहे हो, गेम को अंदर से तुम ऐसा कर रहे हो तो यार ये गलत बात होती है। तो मैं इतना सा बोलूंगा अगर कोई भी देख रहा है तो बस उनको ये जाके बोल देना कि यार ये थोड़ा सही कर ले, बाकी सब तो ठीक ही है। तो गाइस यार ये तो हो गई थोड़ी बहुत ऊपर की बात है। आज की वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों को रिडीम कोड कैसे देखने को मिलने वाला है कल के दिन 18 तारीख को, आप लोगों को कैसे कन्फर्म रिडीम कोड देखने को मिलने वाला है, आपको कैसे पैराशूट की स्किन देखने को मिलने वाली है, आप सभी लोग कैसे वहाँ पे ऑटो की स्किन देखने को मिलेगी। साथ ही मैं गाइस आप लोगों को बताऊंगा कि आप सभी लोगों को जो हमारा क्रोनो कैरेक्टर है वो आप लोगों को कैसे देखने को मिलेगा। साथ ही मैं गाइस मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा, वो आपको मतलब धीरे धीरे करके पता चलते जाएगी क्या क्या चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो मैं तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर जो भी न्यू आ रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर से कर देना। तो ज्यादा टाइम पास हम लोग करते नहीं है, आज की वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस यार तुम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यार जो हमारा विंटरलैंड का जो अपडेट है ना गाइस वो कब तक आएगा, क्योंकि सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई विंटरलैंड अपडेट आखिरकार, क्योंकि अब विंटरलैंड विंटर शुरू हो चुकी है और अभी हमारा दिसंबर का भी एंड आने ही वाला है। तो गाइस मैं आपको बता दूं जो क्रोनो कैरेक्टर का क्रोनो वाला जो इवेंट है ना 25 तारीख को खत्म हो जाएगा, तो उसके एक दिन बाद या उसके ही अगले दिन आप सभी लोगों को जो क्रोनो जो हमारा विंटरलैंड का अपडेट है वो देखने को मिल सकता है। और जो विंटरलैंड M187 की स्कीन है वो भी आप सभी लोगों को बाद में ही देखने को मिलेगी। बाद में बोले तो 25 या 26 तारीख के बाद जो होगा कोई फेडेड विल आता है तो उसके अंदर आप सभी लोगों को वो स्किन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है गाइस रोनाल्डो कैरेक्टर या फिर आप बोल सकते हो क्रोनो कैरेक्टर के ऊपर कि आप लोगों को कितने डायमंड के टॉप अप देखने को मिलेगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं बाहर के सर्वर से हम लोगों को एक इमेज निकल के आई है कि बाहर के सर्वर से नहीं, एक मतलब हमारे इंडियन सर्वर का ही है और इंडियन सर्वर से हम लोगों की इमेज निकल के आई है कि जो क्रोनो कैरेक्टर है ना वो आप लोगों को 100 डायमंड के टॉप अप में देखने को मिलने वाला है। लेकिन यार मुझे नहीं लगता कि वो 100 डायमंड के टॉप अप में देखने को मिलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ सकता है और उसको जो बंडल है वो आप लोगों को 500 डायमंड तक देखने को मिल सकता है। ये तो ठीक क्रोनो कैरेक्टर के, ये आपको 19 तारीख को टॉप अप इवेंट में देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग चलते आ रहे कि आज की जो मेन वीडियो है जो कि गाइस रिडीम कोड के ऊपर, मैं आपको पहले इमेजेस दिखा देता हूँ रिडीम कोड वाली। तो गाइस यार जैसा कि मैंने तुम लोगों को बोला कि फ्री फायर बैटल अरीना के रिडीम कोड्स आप सभी लोगों को देखने को मिलने वाले हैं कल के दिन, और आप लोग देख सकते हो 18 तारीख को शाम की 6 बजे आप सभी लोगों को रिडीम कोड्स देखने को मिलेंगे। रिडीम कोड नहीं, आप लोगों वहाँ पे सिंपल सा फ्री फायर का जो ई स्पोर्ट्स का जो चैनल है वहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जो वॉचिंग का जो रिवॉर्ड है ना वो आप सभी लोगों को कंप्लीट करवाना है। आप लोग देख सकते हो 50,000 की वॉचिंग में आप लोगों को MP40 के क्रिएट्स देखने को मिलने वाले हैं, 1,00,000 की वॉचिंग में आप सभी लोगों को पैराशूट की स्किन देखने को मिलने वाली है। साथ ही मैं कही आपको 2,00,000 की वॉचिंग में आप लोगों को जो ऑटो रिक्शा उसका जो विंटरलैंड की जो थीम है उसके ऊपर डिपेंड है वो, और वो चीज आप लोगों को बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री देखने को मिलने वाली है। तो गाइस यार ये आप लोगों को देखो इसका जो मुझे लग रहा है कि क्योंकि ये शाम के टाइम में तो इसका रिडीम कोड आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, इस चीज का रिडीम कोड। तो गाइस यार इस चीज का रिडीम कोड आप लोगों को मिलेगा ऑलमोस्ट 8 या 8:30 बजे तक का, इतना मुझे पता है 8:30 से 9 बजे तक के बीच में आप लोगों को इसका जो रिडीम कोड है वो देखने को मिलेगा कल के दिन, कल 18 तारीख की शाम को 6 बजे आप जरूर से वहां पर जाना, वॉचिंग देना। 2,00,000 की वॉचिंग जैसी होगी वो आप लोगों को रिडीम कोड को प्रोवाइड कर देंगे।
करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग स्ट्रीम नहीं देख पाते तो आपको इस चैनल के ऊपर आप लोगों को जो रिडीम कोड है वो देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि कल के दिन मैं शाम के टाइम में लाइव स्ट्रीम करूँ और वहाँ पर हो सकता है कि जो रिडीम कोड है मैं आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड करूँ। तो यार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहाँ पर ज्वाइन करना, वहाँ पर सपोर्ट दिखाना, वहाँ पर फ्री फायर वालों को भी, उनको भी लगना चाहिए कि हाँ ठीक है। तो गाइस यार आज की वाली वीडियो मैंने आप लोगों को गरीना के नशे दिखा दिए। अभी भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो गेम प्ले वो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, बिकॉज वो कलर तो सही हो गया उसका, लेकिन यार जो मूवमेंट है वो बाकी सब चीज़ें सही नहीं हो रही। तो मैं फिर बोलूँगा गरीना फ्री फायर को कि यार उनके जितने भी मॉडरेटर्स या फिर जो भी पार्टनर प्रोग्राम वाला बंदा है अगर वो देख रहा है तो प्लीज़ उनको बोलो कि इस चीज़ को सही करे, ये बग है ठीक है। तो गाइस यार आज की वीडियो में मैंने आपको बग के बारे में, विंटर लैंड अपडेट के बारे में, रोनाल्डो क्रोनो कैरेक्टर के बारे में बताया, साथ ही में गाइस मैंने आप सभी लोगों को एंडिंग में रिडीम कोड्स के बारे में बताया कि आप लोग कैसे देखने को मिलेगा। तो गाइस यार अगर आप में से किसी को भी आज की वाली वीडियो जरा सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अल पे शुरू से कर देना। और बस यार आज की वीडियो यहीं तक थी, आज की मजदूरी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो यार हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।